और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। लखपति दीदी हमें बनानी है, 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय का प्रभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शिवराज ने अपने आने वाले 100 दिन के काम को लेकर अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं। शिवराज ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें 100 दिनों की कृषि कार्य योजना के संबंध में प्लान तैयार कर लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के दुख दर्द को कम करने के लिए सशक्त कदम उठाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री शिवराज ने बैठक में कहा कि किसान भाइयों बहनों को गुणवत्तापूर्ण खाद बीज की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित की जानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9,03,00,000 किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा, काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में, हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के साथ साथ एक और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है, 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। उसी का एक आयाम है कृषि सखी, किसानों की सहायता के लिए हमने कई बहनों को प्रशिक्षित करके उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया है ताकि वो अलग अलग कामों में किसान को, खेती को सहयोग कर सके। तो ऐसी हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गौरतलब है कि 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को अब केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही सियासी पंडित उम्मीद लगा रहे हैं कि शिवराज कृषि क्षेत्र के उद्धार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, साथ ही किसानों की समस्याओं को भी सुलझाएंगे। फिलहाल तो शिवराज फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं।